नमस्कार। आज अपन बात करेंगे ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप के बारे में, यानी पोलर जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन के बारे में। लास्ट के वीडियो में अपन ने बात की थी ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप के बारे में, यानी इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन के बारे में बात की थी, जबकि अपन बात करेंगे आज पोलर जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन के बारे में, यानी इक्वल एरिया वो समदूरस्थ था जबकि यह है समक्षेत्र प्रक्षेप। तो इसके लिए अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 1:20 करोड़ मापने पर उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए एक ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना कीजिए, और प्रक्षेप में अंतराल है 30 डिग्री का, यानी स्केल है आपकी 20 करोड़ और इंटरवल यानी अंतराल है आपका 30 डिग्री का। इस आधार पर अपन को उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए एक ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना करनी होगी। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता ही है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आर निकालेंगे, और आर निकालने के लिए अपने पास सूत्र है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा हुआ निरूपक बीम का। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास होता है 63 करोड़ 50 लाख, और निरूपक बीम का हर आ जाएगा आपकी मापनी। तो 63 करोड़ 50 लाख आपका ये लिख दिया, मापनी लिखी दी, इसको सोल्व करने पास अपने आर निकल के आई है 3.17 सेंटीमीटर, यानी अपने पास आर निकल के आ गई। आप अपन को डायग्राम बनाना। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन क्वेश्चन में आ रही थी 3.17 सेंटीमीटर, तो अपन को 3.17 सेंटीमीटर की क्या करनी है, कि लाइन खींच लेनी है, और इतनी ही दूरी का अपन प्रकार में चाप भर लेंगे, 3.17, यानी अपने आर कितनी थी 3.17, इतनी दूरी का अपन क्या कर लेंगे, प्रकार में चाप ले लेंगे और उसका चाप काट देंगे, इतनी ही दूरी का एक अर्धव्यास लेके अपना इतना, और इस यहाँ से अपन एक लंब ऊपर की ओर भी डाल देंगे, वही एक 3.17 का ही होगा ये भी आपका, ये देख लो 3.17 का ही हो गया ये वाला भी। ये थी 3.17 सेंटीमीटर, ये अपन ने नाम दे दिया यहाँ पे ए, यहाँ पे ओ और ये बी। एक बार वापस से बता देती हूँ ये किस तरह से करना है अपन को। तीन पॉइंट एक सात सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, और इतनी ही दूरी का एक क्या करना है अपन को, चाप लेना है और उसका एक चाप काट देना है, यानी अर्धवृत्त की तरह, और यहाँ से ओ बिंदु से एक लंब डालते हुए इधर मिला देना है। अब इतना हो गया, इसके बाद अपन को क्या करना है, जो ए बिंदु है यानी आपका, इससे पहले अपन कोण बना लेते हैं। इससे कोण के लिए अपन कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, क्वेश्चन में देखिए अंतराल कितना है, क्वेश्चन में अंतराल था अपना 30 डिग्री का, तो इसके लिए अपन पहले क्या करेंगे, 30 डिग्री के दो कोण बना लेंगे, 30 का, ये 60 का और 90 का, तो अपने आप ही हो जाएगा वो, ये दो कोण हो गए। इनको अपन ओ बिंदु से मिला देंगे, 30 और 60 डिग्री के कोण को, ये हो गया, या नाम दे देते हैं बी सी और ये डी। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, ए बिंदु को केंद्र मानते हुए बी सी और डी की तरफ क्या करेंगे, लंब खींचेंगे, ये इतनी दूरी की रेखाएं खींचेंगे, यानी ए बिंदु से लेते हुए बी बिंदु की तरफ, फिर ए बिंदु से सी की तरफ, फिर डी की ओर, ठीक है। ए बिंदु को केंद्र मान के बी सी और डी के लंब खींच दिए। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, वही लास्ट के क्वेश्चन में, जैसे लास्ट के वीडियो में अपन ने किया था, जो पोलर समदूरस्थ या पोलर इक्वल डिस्टेंस वाला जो प्रक्षेप था, उसके लिए दो रेखाएं खींचेंगे,
एक दूसरे को क्रॉस करती हुई होगी रेखाएं, ठीक है। दो रेखाएं खींच लिए, नाम डाल देते हैं अपन, ए बी सी और डी, ये हो गया पूरा। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बिंदु से, यानी प्रकार की सहायता से अपन ए से लेके बी तक की दूरी को प्रकार में ले लेंगे, यानी इसकी सहायता से ए और बी बिंदु तक की जो दूरी थी उसे प्रकार में ले लेंगे। और जो आपका ये जो रेखाएं खींची थी और सेंटर पॉइंट दिया था, इसे अपन नाम दे देते हैं एन बिंदु। इस एन बिंदु पे प्रकार की नोक रखते हुए क्या करेंगे, एक वृत्त खींच देंगे, या कट लगा दो या फिर वृत्त ही खींच देते, क्योंकि कट हमें वापस आके बाद में ही लगाने होंगे। ठीक है, ये इतना हो गया, ये पूरा दिख नहीं रहा होगा, इसको ऊपर कर देती हूँ मैं, वापस से बता रही हूँ ये किस तरह से किया है अपन ने। ए से बी तक की दूरी प्रकार में ली, फिर उसको इतनी दूरी के प्रकार को लेंगे और प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे एन बिंदु पे, और इस दूरी का क्या कर देंगे, एक चाप काट देंगे, जो कि ये कट के तैयार है अपना, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये वाली दूरी लेंगे, ए से सी तक की दूरी लेंगे, ठीक है, ये वाली दूरी प्रकार में लेंगे अपन, फिर वही एन बिंदु पे प्रकार की नोक रख के और एक चाप काट देंगे, ये तैयार है दूसरा भी, जो कि आपके 30 डिग्री के अक्षांश को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद फिर लास्ट का जो बचा है आपका ए से डी तक की दूरी, यानी जो कि 60 डिग्री के अक्षांश को प्रदर्शित करेगा, इतनी दूरी प्रकार में लेंगे और वो ही एन बिंदु पे प्रकार की नोक रख के और इसका चाप काट देंगे। इतना हो गया, इसके बाद जो एक्स्ट्रा है अपन उसको रब कर देते हैं लाइनें, इनको थोड़ा पास पास लिख देते हैं, ये ए बी सी और डी, इतना हो गया। अब अपना इसके बाद अपन क्या करेंगे, देशांतर बनाने के लिए रेखांतराल देखते हैं कितना है, रेखांतराल है 30 डिग्री का, तो अपन को 30-30 डिग्री के अंतराल पे क्या, और देशांतरों के लिए कोण लगाने हैं, चिन्ह लगाने हैं कोण काटने के लिए, ठीक है। ये 30 का हो जाएगा, 60 का, 90 का है ही, 120, 150, 180 का हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी करेंगे, जो कि अपने लास्ट के वीडियो में भी इसी तरह देशांतरों के लिए चिन्ह लगाए थे। ठीक है, अब इनको प्रकार स्केल की सहायता से मिला देंगे,
बीच में एन बिंदु हो जाएगा अपना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ की बजाय। ये एन हो जाएगा। ये अपना अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल तैयार हो गया। अब इस पे अपन अक्षांश और देशांतर डाल देते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर, 30 डिग्री देशांतर, 60 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री, 120, 150 और ये 180 डिग्री का, ये 30 का, 60 डिग्री, 90, 120, 150। इधर वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। ये इक्वेटर हो ही जाएगा आपका। नीचे अपन इसके स्केल डाल देते हैं हम। एक अनुपात 20 करो। ठीक है, ये आपकी स्केल हो गई है। हेडिंग ऊपर डाल देते हैं इसकी। हेडिंग हो जाएगी इसकी इक्वल एरिया वाला प्रोजेक्शन है ना, पोलर जेनिथल इक्वल एरिया। ये आपका प्रोजेक्शन बन के तैयार है। हेडिंग आ गई ऊपर और ये डायग्राम हो गया। नीचे इसकी स्केल है, हेडिंग और ये स्केल आपको स्टेंसिल से डालनी होगी। और अब लास्ट में अपन इसके उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं, यानी पोलर जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग समक्षेत्र तथा ध्रुव के समीप करीब शुद्ध आकृति प्रदर्शित करने के गुणों के फलस्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों के वितरण मानचित्रों के लिए प्रक्षेप विशेष रूप से है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ध्रुव के आसपास वाले जो एरिया है उनका शुद्ध आकृति यानी शुद्ध आकृति प्रदर्शित करने के कारण यह प्रक्षेप ध्रुवीय क्षेत्रों के मानचित्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। इसके नाम से भी पता चल रहा है कि ये पोलर क्षेत्रों में जो इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है इसका नाम, तो यह पोलर क्षेत्रों में शुद्ध क्षेत्र प्रदर्शित करने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है, या ध्रुवीय क्षेत्रों में शुद्ध क्षेत्र प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र बनाने के लिए इन प्रोजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में अपन ने बात की पोलर जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन के बारे में, तो इसकी रचना कैसे करते हैं और इसका उपयोग क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।